अब हम आ जाते हैं फौना पे. फ्लोरा वॉज अबाउट द प्लांट्स and the fauna is about the animals. As you all know that it's the connection of the flora and the fauna. If we talk about as far as Pakistan is concerned, या हम अपने अगर ecosystem की ही बात कर लें, ecosystem में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके plants भी आ जाते हैं, animals भी आ जाते हैं, और even non-living factors भी आ जाते हैं. तो fauna जो है ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी क्यों अहमियत का हामिल है, क्योंकि because सिंध एंड इन बलूचिस्तान we have got coastal areas in both these provinces and these both regions are also rich in seafoods. ज़ाहिर सी बात है जब दरिया और जहाँ आपके पास समंदर होंगे वहाँ पर यकीनी तौर पे सी फूड भी आपका बढ़ जाएगा, जिसमें आपके पास फिश आ जाती है और क्रैब्स हैं और different types of prawns आ जाते हैं. सी फूड का रिप्लेसमेंट भी एक बहुत एक अच्छा सप्लीमेंट होता है सी फूड, जो कि आपकी बॉडी के लिए तमाम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है. देन वी हैव गॉट ऑयस्टर्स, मुख्तलिफ ज़मीन पानी के अंदर से मिलने वाली मिनरल्स और साथ साथ कुछ ऐसे मोती, कीमती मोती जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं. अच्छा, जहाँ तक जानवरों का ताल्लुक है, जानवरों में चाहे वो पानी के जानवर हों चाहे वो खुश्की के जानवर हों, बाज़ अवक़ात बहुत ज़्यादा हंटिंग जो है स्पेशली लैंड एरियाज़ की, वो जानवरों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है. यानी उन जानवरों की कमी हो सकती है अगर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हंटिंग कर दी जाए या बहुत ज़्यादा जानवरों का बग़ैर किसी इजाज़त लिए अगर शिकार किया जाए, तो हमारे कुछ ऐसे जानवर जो हैं वो भी डेंजर का शिकार हैं, जिसमें यानी उनकी तादाद कम हो सकती है. यानी बहुत इंपॉर्टेंट लियोपार्ड हो गया, पेंगोलिन हो गया, आइबेक्स है या इंडस डॉल्फिन है, मारखोर हैं, वो तमाम एनिमल्स हैं जो कि आजकल शॉर्टेज पे हैं. और अगर खुदा ना खास्ता इनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा होती गई और कंट्रोल ना हुई, तो लाजमी बात है दे कैन बी यानी बिल्कुल नायाब या अनअवेलेबल हो सकते हैं. और यू नो दैट फौना कैन गिव अस मिल्क, लेदर, मीट, different poultry products, कि वो तमाम चीज़ें जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में बुफेलोज, डंकीज, हॉर्स या इस तरह के जो आपके टेम एनिमल्स होते हैं, उनसे हम बहुत डोमेस्टिकली उन जानवरों का अभी भी बहुत सारे इलाकों में काम हो रहा होता है. डोमेस्टिकली यानी डंकीज़ और हॉर्सेज पे वज़न लादना या फिर बुफेलोज के ज़रिए से, काउस के ज़रिए से फार्मिंग करवाना, जो हम कहते हैं ना हल चलाने के लिए, भी हमारे लिए ये जानवर एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं. तो ये समझिए एक तरह का ट्राइंगल है जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट है, नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं, ये इसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है. तो हमारा रीसेस मंकी, मारखोर, स्नो लिपर्ड, वुल्फ वगैरह, ये वो तमाम जानवर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इनको ख़तरा है अगर बहुत ज़्यादा या अनकंट्रोल्ड हंटिंग होती रही, तो एक वक्त आ सकता है कि ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बायोलॉजिकल फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, तो अक्सर अब आजकल तो काफ़ी चैनल्स हैं और उनमें पाकिस्तान के काफ़ी बिल्कुल नायाब जो हमने शायद कभी देखे ना हो रियल में, वो उन जानवरों की बाकायदा तौर पर फोकसिंग करते हैं. और डिफरेंट टाइप्स के जो वैरायटी है वो अक्सर जो है मुख्तलिफ चैनल्स लेकर आ रहे होते हैं. एंड यानी हम देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कितनी बसने वाली चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की कितनी कुदरती जो है शाहकार हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और जिसको जिसको सेफ होना, जब अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, डेफिनेटली दे रिक्वायर शेल्टर एज वेल एज़ फूड, एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग द इकोनॉमी एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर एवरी कंट्री. So we should save all of them, and they are the charm of our environment. जिस तरह से पौधों से हमें मुख्तलिफ ग़ज़ाएँ और एयर को फ्री का ऑक्सीजन हमें मिल रहा होता है, इसी तरह से कुछ ऐसे फूल होते हैं जो कि आपके ज़ेवरात वगैरह बनाने के काम आ रहे होते हैं. तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बड़ा बैलेंस लेके चल रही होती हैं. एंड द ह्यूमन बींग्स ऑल ऑल्सो हैव टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की रोल इन ऑर्डर टू मेनटेन दिस की और इन ऑर्डर टू मेनटेन दिस साइकिल. So that was all about the chapter of Chordata and Vertebrata. I hope it's not very difficult. It's easy and interesting. For plants as well as the animals are making our life very easy and simple, and very important role they play for all of us. So, but if still you find any difficulty, you can ask me. Okay, students, we will meet inshallah tomorrow with another chapter. That is chapter number 9, food and nutrition, and rest of the things we will discuss in the later class. Okay. Jazakallah, Allah Hafiz.